नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा, एमडी होम्योपैथ, मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉपिक, प्रेगनेंसी के टाइम हमें, प्रेगनेंसी के दौरान हमें अल्ट्रासाउंड कितनी बार करवाना है और कब कब हमें अल्ट्रासाउंड के लिए विज़िट करनी है। बहुत सारी महिलाएं आकर ये सवाल करती हैं कि मैम हमें अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए, कब कब हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, क्या वो डेट हो सकती है, कौन सा वो वीक हो सकता है जिसमें हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है और किस अल्ट्रासाउंड में हमें बेबी के रिगार्डिंग क्या जानकारी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सवालों के जवाब दूंगी, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हाउ मेनी अल्ट्रासाउंड मस्ट इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड है हमें, वो अल्ट्रासाउंड होता है डेटिंग अल्ट्रासाउंड, जो कि 6 से 8 वीक पे करवाया जाता है, जिसमें हमें बेबी का पोजीशन देखनी होती है, बेबी किस जगह पे है, उसमें एम्ब्रियो की जो पोजीशन होती है वो नोट की जाती है, वो कहीं ट्यूब में तो नहीं है। अगर वो ट्यूब में है तो उसको अटॉपिक प्रेगनेंसी माना जाता है, वो अबॉर्ट करवाई जाती है मोस्टली। दूसरा हमारा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है लेवल 1 अल्ट्रासाउंड, जिसको 11 से 14 वीक पे करवाया जाता है, जिसके अंदर हमें कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलती है, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिटेक्ट किया जाता है। हमारा अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, 5th मंथ पे कराया जाता है, अराउंड 5 जो 5वां महीना होता है उसके अराउंड कराया जाता है, जिसमें हमें कोई भी अनैमली डिटेक्ट करनी होती है बेबी के लीवर में, बेबी के ब्रेन में और बेबी के हार्ट में, किसी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। लास्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है हमारा 8th मंथ पे, 8वें महीने पे ये अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, स्कैन कराया जाता है, जिस बेबी की पोजीशन मेनली देखी जाती है, कहीं वो उल्टा तो नहीं है, ब्रीच पोजीशन तो नहीं है, कौन सी पोजीशन है, सिफेलिक पोजीशन है, वो उसमें देखी जाती है। उसका वेट मेजर किया जाता है, उसको बोन्स में, उसकी जो बोन्स हैं उनको देखा जाता है, और ग्रोथ हुई है कि नहीं वो देखा जाता है, और बेबी के अराउंड हमारा एमनियोटिक फ्लूइड या फिर आम भाषा में पानी कितना है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को भी इसी अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन हिट करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। होप दिस हेल्प, थैंक यू सो मच, नमस्कार, राधे राधे।